कुंवर प्रताप की, 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 हमारी तजवीज ये है कि इस बार हम प्रताप के अपनों को ही उसके खिलाफ खड़ा कर देंगे। हम कुछ समझे नहीं जा पना। हर बार कौन है जो प्रताप और उसकी मौत के बीच में चट्टान सा खड़ा हो जाता है? उसके अपने लोग, किसने उसे चित्तौड़ में बचाकर भगाया? उसके अपने लोगों ने, किसने हर बार हमारे खिलाफ जंग में उसका साथ दिया? उसके अपने लोगों ने। आज वो हमारे महल में घुसकर हमारी सलाखों में बंद हमारे कैदी को छुड़ा कर ले गया। कैसे? क्योंकि उसके अपनों ने उसका साथ दिया। तो अब हम कुछ ऐसा करेंगे मान से कि प्रताप के अपने उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। योजना तो बहुत सुंदर लग रही है शहंशाह, किंतु ये है क्या? मतलब हम ऐसा क्या करेंगे? हमारा शाही पैगाम भेज दीजिए इसे मारवाड़। गुस्ताखी माफ अपना अपना, लेकिन ऐसा इसमें है क्या? मारवाड़ की शहजादा फूल कवर के साथ हमारे निकाह का पैगाम। चित्रकला में तो लिखा हमारे मनोभाव की अभिव्यक्ति के निमित्त के मात्र है, इसलिए जब आप
अपने रुचि के किसी राजपूत शूरवीर का चित्रण बनाए तो आपकी तुलिका पके हाथों की उंगलियों से नहीं अपने हृदय के अंतरतम उद्धारों से चलनी चाहिए। फिर देखें आपके इन राजपूत शूरवीरों का शौर्य कैसे सहजता से इन चित्राम के कपड़ों पर उभरने लगेगा। शुभरानी सा, हम कुंवर प्रताप का चित्र बनाना चाहते हैं, पर बन ही नहीं रही है उनकी छवि। क्या आप हमारी सहायता करेंगे? कुछ कुंवर प्रताप की छवि। अरे वाह, आपको कैसे पता चला कुंवर प्रताप ऐसे दिखते हैं? आपने तो कहा था आप उन्हें बचपन में मिली थी। पहले आप ये बताइए ये चित्र उनके जैसा दिखता है? एकदम, मैंने पिछले साल ही इन्हें अपने दादा के साथ सैन्य प्रदर्शन में मैंने देखा था। आपको कैसे पता चला? संभवतः राजपूताने के भी इकलौते ऐसे शूरवीर हैं जिन्होंने उस मुगलों की रातों की नींद हराम कर रखी है। हमारा मन बोलता है हमारी तुलिका से। राजकुमारी जी, आपके लिए किसी ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है। हम जानते हैं ये बात कि कुंवर चंद्रसेन आपके छोटे भाई हैं, किंतु नियंत्रण में कहां हैं वो आपके? वो तो प्रताप के बहकावे में राजपूतानी आन बान और शान वाले अव्यवहारिक और मूर्खतापूर्ण विचारों से दिग्भ्रमित हैं। पर समस्या ये है राम सिंह जी, शहनशाह अकबर को यह बात कैसे समझाएं? उनके लिए तो कुंवर चंद्रसेन आपके भाई हैं, जिन्होंने आगरा दुर्ग में अनधिकार प्रवेश करने का दुस्साहस किया, भरपूर जानमाल का नुकसान किया और उसकी कालकोठरी से कमलावती का अपहरण कर ले गए हुए। उनके लिए तो यह पर्याप्त कारण बन गए मारवाड़ के संपूर्ण विनाश के। आग बबूला हो रहे थे शहंशाह, भारत के मानचित्र से मारवाड़ का नामो निशान मिटाने की ठान ली थी उन्होंने। कैसे कैसे उनको समझा बुझा के बीच का मार्ग निकालकर काबू में किया है हमने उनको, ये तो बस हम ही जानते हैं। नहीं तो मारवाड़ को बचा लीजिए हमें मान सिंह जी। अकबर के प्रकोप से अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे, बस हमें बताइए हमें करना क्या है। अब तो एक ही मार्ग बचा है मारवाड़ को बचाने का।
अकबर के साथ फूल कंवर के विवाह वाली शहंशाह अकबर के साथ मारवाड़ की वैवाहिक संबंध संधि। हम आपके इस प्रस्ताव पर अवश्य विचार करेंगे, पर एक बार यहाँ आ तो जाए कुंवर चंद्र सिंह, कोई आवश्यकता नहीं है उनके आने की। हमारी तरफ से संबंध पक्का समझौता। चंद्र सिंह जी, इतनी भी का जल्दी है मारवाड़ जाने की, कुछ दिन और रुक जाइए ना, अभी अभी तो लौटे हैं गोंडवाना से। नहीं कुंवर प्रताप, इस समय स्थिति बड़ी संवेदनशील है, और वैसे भी हमारे दादा भाई उस मुगल के दबाव से शीघ्र ही अस्थिर हो जाते हैं, और फिर इस अभियान के बाद तो पता नहीं, इसलिए इस समय हमारा उनके साथ रहना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, यदि आप कभी भी कोई संकट अनुभव करें तो बस एक सूचना भिजवा दीजिएगा, हम अब तो सब कार्य छोड़ सीधे आपके पास पहुंच जाएंगे आपकी सहायता करने के लिए। बहुत बड़ी बात कह दी कुंवर प्रताप आपने, अब हम क्या कहें, अपना ध्यान रखिएगा। आप भी चंद्रसेन जी, ये हमारी इकलौती सखी फूल कवर के लिए एक तुच्छ उपहार है। कैसी बातें कर रहे हैं भाभी साहब, आपकी और फूल की मित्रता तो एक मिसाल है, हम निश्चित रूप से आपकी ये भेंट अवश्य देंगे उन्हें। खम्बा घनी कुंवर प्रताप, चंद सिंह जी के लिए मारवाड़ से महत्वपूर्ण संदेश आया है मुकल सिंह जी का। ठीक है, क्या बात है चंद सिंह जी? मुकल सिंह जी का संदेश आया है, अकबर ने बरने के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा है। और राम सिंह जी ने इस प्रस्तावित संबंध को स्वीकार कर लिया है। संभालिए अपने आप को चंद सिंह जी। कैसे संभाले कुंवर प्रताप, हम तो मान चुके थे कि कमलावती के अपहरण पर अभी अभी जो हमने उस मुगल को पाठ पढ़ाया है, कम से कम इसके बाद तो वो हमारी बहन बेटियों पर बुरी दृष्टि नहीं डालेगा, उल्टा उसने अपनी आदत बना लिया इसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई फूल के लिए विवाह प्रस्ताव भेजने की? उस मुगल के इस दुस्साहस के पीछे हमें कुछ पुराने कारण प्रतीत होते हैं। और कुछ नए भी। चंद्रसेन जी, हमें अत्यधिक आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि फूल कंवर ने प्रस्ताव स्वीकार किया कैसे। नहीं कुंवर प्रताप, हम जानते हैं अपनी सखी को, किसी ने भी नहीं ली होगी उसे स्वीकृति। अजब दे ठीक कह रही है कुंवर प्रताप, हमें तो लगता है कि दादा भाई ने ना ही किसी को सुना है और ना ही किसी से कुछ कहा, स्वयं ही अपना निर्णय ले लिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके भाई राम सिंह जी भी उस मुगल के दबाव में आ गए, झुक गए हुए उसके सामने। हाँ कुंवर प्रताप, हमें भी ऐसा ही लगता है, किंतु हमें अपने दादा भाई को इस अनर्थ होने से बचाना होगा। कुंवर प्रताप, इसके लिए हमें आपकी आवश्यकता होगी, आपको हमारे साथ मारवाड़ चलना होगा। हाँ कुंवर प्रताप, ये संधि होने से बचा लीजिए, ये तो फूल टूटकर बिखर जाएगी। ठीक है चंद्र सेन जी, हम आपके साथ मारवाड़ चलेंगे। सलीमा, क्या दाजी सो रहे हैं? उन्हें जगाया भी जा सकता है कुंवर प्रताप। वो हमें इसी क्षण अकस्मात मारवाड़ के लिए कूच करना पड़ा है। हर बार
परंतु क्यों? उस मुगल ने फूल कवर के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा है। दुखद और आश्चर्यजनक बात यह है कि राम सिंह जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हमें बस किसी हाल में भी जाके उन्हें रोकना होगा। आप जाइए, जाइए कुंवर प्रताप, और इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए। कि तो ताजीरात से बिना कहे उनसे हम बात करेंगे। यदि उन्हें ये बात पता चलती तो वे आपको रोकते नहीं। उपयुक्त समय देखकर हम कह देंगे उनसे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, प्रसन्नता का समाचार है शहंशाह। तो मान सिंह, क्या खबर लाए हो? राजा राम सिंह ने फूल कंवर के लिए भेजा आपका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। वो सब तो होना ही था मान सिंह, और कोई चारा भी तो नहीं था बेचारों के पास। आप हीर भाई से कहिए कि अपने राजपूती रिवाजों के मुताबिक शगुन के तौर पर जो कुछ भी भिजवाना होता है फूल कवर को भिजवाने का बंदोबस्त करें। जी जहां पना। सुभान अल्लाह फूल। मामा, अब शहंशाह अकबर कौन से पैतरा चलने वाले, हमें भी तो बताइए। पैतरा नहीं भांजे, पैतरों का पूरा पिटारा चल दिया है शहंशाह ने। फूल कंवर के साथ विवाह करने का मन बना लिया उन्होंने। फूल कंवर मतलब वो मारवाड़ वाली फूल कंवर? हाँ, मारवाड़ नरेश की पुत्री फूल कंवर। इसमें क्या पैतरा है? इसमें तो एक बार फिर से दादा भाई अपनी टांग अड़ाएंगे और छुड़वा लेंगे फूल कंवर को, और एक बार फिर से पूरे राजपुताने में जय जयकार हो जाएगी उनकी, जैसे अभी अभी वो गोंडवाना में करके आ रहे हैं। नहीं भांजे, ये तीर अकबर का खाली नहीं जाएगा, ये तो लक्ष्य भेदने वाला तीर है। राम सिंह और दुर्गावती में बहुत अंतर है। इस बार अकबर ने पूर्ण रूप से प्रताप को मिटाने के लिए मारवाड़ से वैवाहिक संधि की है। अब मैं भी जाके सही जगह पे चिंगारी भड़का कर अपना काम कर लूं थोड़ा। देखो, विवाह के सभी विधि विधान जैसा अकबर चाहे ठीक वैसा वैसा करना। अब जाए। आज तो केवल हमसे आंखें चुरा रहे हैं आप दाजीराज, पर क्या कर अपने आप से मिला पाएंगे आप आगे? फूल, मर्यादा की सीमाओं में। मर्यादा के नाम पर आप अपनी बेटी को कितनी सरलता से उन मुगलों को सौंप रहे हैं दाजीराज। मातृभूमि माँ होती है माँ, और मातृभूमि के लिए किया गया कोई भी बलिदान बड़ा नहीं होता। यदि हम अपनी मां के लिए अपनी बेटी का बलिदान कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? बेटी का बलिदान देकर अपनी मां को नहीं बचा पाए तो हम मानते हैं आपका संशय सही हो सकता है, किंतु आस भी कोई चीज होती है बेटी। संबंध से मारवाड़ अकबर के प्रकोप से बच सकता है, और ये कोई अव्यवहारिक आस नहीं है। हुआ है पहले भी ऐसा, और अपने राजपुताने में ही हुआ है। आमिर को ही देख लो, जोधा भी तो राजपूतों की ही बेटी थी ना। आज उन्होंने अकबर की महारानी बनकर ना केवल आमिर का अस्तित्व बचाया है बल्कि आगरा की शान भी बढ़ा रही है। बेटी, अब मारवाड़ की सुरक्षा
आपके हाथ में है। वचन दीजिए आप कभी मारवाड़ का अहित नहीं होने देंगे। वचन दीजिए कि आप अपने दाजीराज का सर कभी नहीं झुकने देंगे। वचन दीजिए आप हमारी सारी बातों का मान रखेंगे। फूल मत दीजिएगा ऐसा कोई घृणित वचन। चुप रहिए आप। चार दिन कुंवर प्रताप के साथ क्या घूम कर आए? उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं आप? नहीं राम सिंह जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.